श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो दुख मेरे सयन को तब सुख कैसा मोहे। हम तुम एक वतन के अपने रोह नहीं दोए। अपने रोह नहीं दोए। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कलह सिंधि का 12वां प्रकरण। ये भी सुहागिनियों के लक्षण, ब्रह्मात्माओं के लक्षण से मिलता जुलता ही प्रकरण है, तो इसी लक्षण को ही समझाने के लिए है ऐसा मान सकते हैं। अभी पूर्व प्रकरण में ब्रह्मात्माओं के लक्षण की बात कही, तो इस प्रकार के लक्षण कहीं दिखाई दिए तो समझना चाहिए कि वो ब्रह्मात्मा है। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज पर धामधनी की इतनी बड़ी कृपा थी, वे धामधनी की कृपा को पूरी तरह से ग्रहण कर पाते थे, इसलिए कोई भी आत्मा उनको मिलती तो उसको अक्षराते धामधनी बता देते थे कि देख ये ब्रह्मात्मा है, इनका ये नाम है, इस तरह से समझा दिया करते थे। तो उसके बाद में महामती श्री प्राणनाथ जी, उन्होंने जब प्रचार प्रसार आरंभ किया तो अलग अलग प्रकार के लोग उनको मिले, तो सभी ब्रह्मात्मा ही नहीं तो दूसरी आत्माएं भी मिली, उनको भी तारतम ज्ञान प्राप्त हुआ। अब किसको ब्रह्मात्मा कहें किसको नहीं, इसलिए श्री प्राणनाथ जी के द्वारा तो ये ब्रह्मात्माएं हैं ये नहीं हैं इस प्रकार कहने की अपेक्षा ब्रह्मात्माओं के लक्षण उन्होंने समझा दिए। तो ऐसे ऐसे लक्षण हों तो समझना चाहिए कि वो ब्रह्मात्मा है। तो उन्होंने आईना दिखा दी सबको, तो जो जो लोग विचारते हैं तो वो देख लें, तो उनमें यदि इनमें से कुछ लक्षण मिलते हों तो वो ब्रह्मात्माएँ हो सकती है। तो बाकी ब्रह्मात्माओं का दावा करने वाले बहुत लोग हो सकते हैं, किंतु इन लक्षणों के साथ अपने गुणों को मिलाने वाले क्या हमारे अंदर इस प्रकार के कोई भाव हैं, उनकी तुलना करने और यदि ऐसे भाव कम हैं तो उन बुराइयों को दूर करके ऐसे भावों को बढ़ाने वाले लोग हैं वो बहुत कम मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ब्रह्मात्माओं के लक्षण बताए हैं, तो इन लक्षणों को हमें समझना भी चाहिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न भी करना चाहिए कि इस प्रकार के लक्षणों में से मेरे अंदर कोई लक्षण हैं तो उनको मैं स्वयं ही तुलना कर सकता हूँ, तभी मुझे समझना चाहिए कि मैं समझ भी सकता हूँ कि मेरे अंदर कहीं ब्रह्मात्मा के लक्षण हैं या नहीं है। तो हर किसी को इन लक्षणों के आधार पर अपनी कसौटी करनी चाहिए, अपने स्वभाव की, अपनी समझदारी की, तब जा कर के उनको पता चलेगा कि हमारे अंदर किस प्रकार का भाव है। तो अब ये आगे का प्रकरण भी इसी बात को समझाने के लिए है। भी कहूँ मेरी सयन को, मैं मेरी आत्माओं को और भी कहना चाह रहा हूँ, जो हैं मूल अंकुर, जिनका संबंध अक्षराते धामधनी से है, दिव्य परम धाम से है, सो निज वतनी सुहागनी, वो परमधाम अपना घर मान, परमधाम को अपना घर मानने वाले ब्रह्मात्माएं हैं, वही सुहागिनी हैं। पिया अंग निज नूर, तो वो पिया की ही अंगना है और पिया का ही नूर लेकर के दुनिया में काम कर रही है। तो प्रिया का ये अक्षराते धामधनी ने दिया हुआ ज्ञान, उसी ज्ञान के प्रकाश को लेकर के वो चल रही है, उस मिसाल को ही आगे बढ़ा रही है। पार पुरुष पिया एक हैं, तो इस दुनिया में
अलग अलग प्रकार के शक्तियां काम करती हैं, अनेक लोगों ने उन शक्तियों को ही परमात्मा माना है। यथार्थ में परमात्मा इन सब शक्तियों से भिन्न है, इसलिए यहाँ कहते हैं पार पुरुष पिया एक है। पार पुरुष तो वो तो एक ही परमात्मा है, वही सबके पार हैं, दूसरा नाई कोई, तो दूसरा कोई उनके समकक्ष नहीं होगा। उनकी शक्तियां हैं तो वह अलग अलग प्रकार का कार्य करती हैं, तो इन शक्तियों को लेकर के अक्षरातीत के साथ कभी भी तुलना नहीं हो सकती है। और नार सब माया, तो बाकी तो सब माया ही है, बाकी सब माया की सृष्टि है। या में भी विदोये, इसमें भी यदि चेतना की बात करें तो दो प्रकार की चेतनाएं मानी गई हैं, तो उसके लिए यहाँ एक अलग तरीके से समझाया है। जो रूह असलो ईश्वरी, जो असली रूह आत्मा है तो अविनाशी, ईश्वरी कहने का तात्पर्य यह अविनाशी है। दूजी रूह सब जहान है, तो दूसरी आत्माएं हैं वो सब दुनिया का खेल को आगे बढ़ाने के लिए है, ये तो ईश्वरी आत्मा है, तो इस खेल में कुछ विशेषता दिखाने के लिए है। पर रूह न्यारी सुहागनी, सो आगे कहूंगी पहचान, तो इन सुहागिनी आत्माओं के विषय में आगे भी और बताएंगे, तो ये भी प्रकरण सुहागिनियों के लक्षण का ही है, ऐसा हम इस चौपाई पर से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये बात कही, एक तो ईश्वरी आत्मा है और दूसरी दुनिया की आत्मा है, तो यहाँ कहने का तात्पर्य दूसरे स्थान पर भी इस प्रकार से कहा है तो वो समझेंगे तो इसका तात्पर्य समझ में आ जाएगा। तो वहाँ कहते हैं यहाँ में जीव दोए भात के, एक खेल दूजे देखनहार, तो इस जगत में दो प्रकार के जीव हैं, एक खेलने वाले हैं तो दूसरे देखने वाले हैं, दृष्टा। तो जो लोग खेलने वाले हैं तो उनको फिर वो संसार का खेल को संपादन करने के लिए है, तो उनके लिए नीति नियम वगैरह विभिन्न प्रकार के बनाए गए हैं, उनमें कोई जागृत होंगे कोई नहीं होंगे, किसी को हजारों वर्ष लगेंगे किसी को हजारों जन्म लगेंगे, तो इस तरह इसकी परिपाटी है। ये एक अलग प्रकार का नियम है, इस विषय में अलग ही प्रकार से चर्चा होगी तो ठीक रहेगा, अभी यहाँ पर फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए इसमें विस्तृत चर्चा नहीं करते हैं। तो इतनी बात यह है कि जो यहाँ अविनाशी धाम की आत्मा है, वैसे तो सारी आत्मा अविनाशी धाम की है, किंतु हमेशा अविनाशी धाम में ही लीलाओं का आनंद लेने वाली आत्माएं हैं, तो उन आत्माओं को यहाँ पर स्वामित्व वाली आत्मा कहा है, ईश्वरी आत्माएं। तो ऐसी स्वामित्व वाली आत्माओं में भी दो प्रकार है, उनमें एक अक्षरातीत धामधनी की अंतरंग लीला के पात्र हैं, वो ब्रह्मात्माएं कहलाती हैं, और अक्षर ब्रह्म के साथ रहने वाली आत्माएं हैं, अक्षर ब्रह्म के लीला का संपादन करने वाले ईश्वरी सृष्टि कहलाती है। तो यहाँ पर ईश्वरी कहने से ईश्वरी सृष्टि की बात नहीं है, तो ये अविनाशी धाम के धाम में लीला करने वाली आत्माएं हैं, तो उनको तो यहाँ पर ईश्वरी शब्द से स्पष्ट किया है। तो ऐसी आत्माएं भी दो प्रकार की होंगी, ब्रह्मात्माएं और ईश्वरी आत्माएं। तो बाकी दुनिया का साधारण काम करने के लिए है तो उनकी स्थिति थोड़ी सी अलग होगी, तो उनके लिए कहते हैं ईश्वरी सृष्टि अक्षर ब्रह्म के साथ लीला करने वाली है, और बाकी जीव सृष्टि है कि जो अक्षर ब्रह्म के चतुर्थ पाद प्रणव ब्रह्म के अंतर्गत प्रकट होने वाली चेतनाएं हैं, तो वो जीव सृष्टि कही जाती है। पर रूह न्यारी सुहागनी, उन दोनों से सुहागनी ब्रह्मात्माएं वो भिन्न हैं, विशिष्ट हैं, सो आगे कहूंगी पहचान, उनकी पहचान आगे और बताएंगे। सया सुख निज वतनी, जो ब्रह्म सृष्टि होंगे वो निज वतनी, परमधाम
जिनका घर है, ऐसी आत्माएं हैं, तो वो परमधाम का सुख ग्रहण करती है। ईश्वरी को सुख और जो ईश्वरी सृष्टि है उनका सुख अलग है। परमधाम का सुख है परमात्माएं लेती हैं, ईश्वरी सृष्टि अक्षरधाम का सुख लेती है। दुनी भी सुख होशी सदा, तो दुनिया भी यदि जागृत हो जाएंगे उनको भी मुक्ति प्राप्त होगी। तो अखंड भूमिका में 8 प्रकार की मुक्ति बताई गई है, तो उनमें से बाकी आत्माएं भी वहाँ पर पहुँचेंगी। तो आगे कहूँगी तीनों ठौर, भविष्य में इनके तीनों ठिकानों के विषय में कभी बात करेंगे। तो अभी इस बात को इस प्रकार समझने के लिए कहा, ये लक्षण सया अंकुरी, जो अंकुरी परमात्माएं उनके ऐसे लक्षण हैं, जो होशी इन घर, जिनका घर परमधाम है, जो इस परमधाम में रहने वाले होंगे उनके तो लक्षण इस प्रकार के होंगे। ए वचन वतने सुन के, ये वचन जो परमधाम का ज्ञान, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान यहाँ पर दिया जा रहा है, ये वचन सुनते ही आवत हैं तत्पर, एकदम तैयार होकर के दौड़ करके आ जाती हैं। थोड़ी देर के लिए भी उनको माया मोह में विलंब नहीं होता है। तो वो तो अक्षरातीत की बात सुनेंगे, परमधाम की बात सुनेंगे तो तुरंत दौड़ जाएंगी। तो अब यहाँ पर ब्रह्मात्माओं की बात कह रहे हैं। अटकर या साथ आधा, जिन्हों खेल देखने का प्यार। तो इस जगत में ब्रह्मात्माएं जो भी आई हैं इस तीसरे ब्रह्मांड में, जागने के ब्रह्मांड में, तो उनके लिए ऐसा कहा गया है कि ब्रज और रास के अंतर्गत जिन जिन आत्माओं को माया देखने की तमन्ना पूर्ण हुई, तो वो आत्माएं तो फिर उनको नश्वर जगत में पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ी। और जिन आत्माओं ने तो वहाँ पर दुख सुख देखा नहीं है, ऐसे तामस स्वभाव वाली आत्माएं वहाँ भी आनंद का ही अनुभव कर रही थी। ऐसी आत्माएं, जिन आत्माओं ने दुख सुख का अनुभव किया उनको छोड़ करके जो आनंद का ही अनुभव किया करती थी हमेशा ब्रजरास में भी, ऐसी आत्माएं उनको तामस स्वभाव वाली आत्माएं कहा है। तो उनकी संख्या 12,000 में गिने तो आधा संख्या है। तो ऐसे ब्रह्मात्माएं वो कहते हैं, ऐसी ब्रह्मात्माएं ये माया में अटकी हुई है। अटक रहा साथ आधा, आधा साथ, तामस स्वभाव वाले ब्रह्मात्माएं माया में अटकी रही। जिन्हों खेल देखने का प्यार, उनको और खेल देखने की इच्छा थी, खेल देखने का प्यार उनका और बना रहा था। एक या मूल इन खातर, ये सब इन्हीं ब्रह्मात्माओं के लिए किया है। तो यहाँ इन्हीं ब्रह्मात्माओं के हिसाब से अक्षराती धामधनी ने यहाँ पर तो ज्ञान भी दिया। तो इससे पहले की परिपाटी भी यहाँ पर इस प्रकार श्रेष्ठ परिपाटी है। तो ऐसा करके कि इस बात को कोई समझें तो समझेंगे तो उनको फिर ये बात स्पष्ट हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि उन्हीं ब्रह्मात्माओं के लिए जो हैं तामसिया नार, जो तामस स्वभाव वाली ब्रह्मात्माएं थी, उनके लिए ही दोबारा ये खेल दिखाया है। भूल गया खेल में, तो ये आत्माएं भी खेल में आकर के भूल गई। जो सया हैं समर्थ, वैसे तो वो समर्थ हैं लेकिन खेल में भूल गई हैं वो यहाँ आकर के। प्रकाश पीयू का मुझे पे, सदगुरु धनी ने मुझे प्रकाश दिया है ज्ञान का, अब कहे समझाऊं अर्थ, उनको इस ज्ञान का अर्थ समझा करके अब उनको जागृत करते हैं, उनको जगाना है। तो कहने का तात्पर्य तामस स्वभाव वाली आत्माएं तो इस जागने लीला में संलग्न हुई है, तो उनको जागृत करने का दायित्व तो हमें सौंपा है, अब उनको जागृत करना है। सबन को भेली करूं, सबको एकत्रित करने का प्रयत्न करते हैं।
दृढ़ कर देऊं मन, सबके मन को पहले दृढ़ बना देते हैं ताकि वो इधर उधर भटके बिना सीधा अक्षरातीत धाम धनी को पहचानने के मार्ग पर आगे बढ़ सके। खेल देखाऊं खोल के, खेल के रहस्य को स्पष्ट करके दिखा दो। खोलना मतलब स्पष्ट करके दिखाना। जिन विधे उत्पन्न, ये खेल कैसे उत्पन्न हुआ, तो इसमें दो प्रकार की बात आती है। तो एक तो ये अक्षर ब्रह्म कैसे सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, तो वो भी एक जानने की बात होती है। दूसरी, ब्रह्मात्माएं माया को खेल देख माया का खेल देखने के लिए आई हैं, तो उन्होंने किस किस तरह से ब्रजराज की लीलाएं की है, उसमें कैसा अनुभव किया, तो उनमें से फिर जिनके जिनके मनोरथ पूर्ण नहीं हुए हैं वो आत्माएं फिर जागनी के ब्रह्मांड में भी आती हैं। तो उन्होंने भी जागनी के ब्रह्मांड में भी वो जिनके मनोरथ पूर्ण नहीं हुए हैं वो आई हैं, तो उनके विषय में भी समझाना है। तो ये सारी बात है, तो इसको ये सृष्टि की उत्पत्ति के साथ में जुड़ी है। ये खेल है जोरावर, ये खेल तो बड़ा ही जोरदार है। बड़ो सो रचियो छल, तो बहुत बड़ा छल इसमें है, ऐसा ऐसी ये रचना है। ए तब जाहिर होए सी, जब काल देखाऊं बल, जब इसका बल का मतलब तो इसका टेढ़ापन, तो इसको मिटा देंगे तब जा करके पता चलेगा। अब इसके टेढ़ेपन को मिटा करके इसकी यथार्थता समझा देते हैं। तो अब यहाँ ब्रह्मात्माओं को समझाते हुए कह रहे हैं, तुम नाही इन छल के, तुम इस छल के नहीं हो। छल को जोर अमल, यदि देखा जाए तो ये छल तो ये माया तो इस तरह से जकड़ करके बैठी हुई है कि उनको कुछ भी पता नहीं है। सांची को झूठी लगी, तो ये माया में ऐसा है कि जो सच्ची बात है वो झूठी लगती है और जो झूठी बात है वो सत्य लगती है। ऐसो छल को बल, माया की ये ऐसी शक्ति है, ये असत्य को सत्य की तरह से प्रकाशित करती है। इसलिए माया की व्याख्या में कहा है, असद अर्थ प्रकाशिनी माया, असद अर्थ को प्रकाशित करने वाले माया है। ऐसो छल को बल, ये माया की शक्ति है। तुम आइया छल देखने, तुम तो इसी माया को देखने के लिए आई हो, किंतु भील गैया माहे छल, भील जाने का मतलब मिल जाना, भूल जाना, और इसी में ओतप्रोत हो जाना, तुम माया में ओतप्रोत हो गए हो। छल को छल न लागही, ओ लहरी ओ जल, यदि छल के ही जीव होते तो उनको छल का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि लहरें और पानी में क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि लहरें हैं वो पानी की है, पानी से उड़ती है फिर पानी में आकर के समा जाती है। तो जो छल के जीव होंगे इस माया के खेल को संपादन करने के लिए आए हुए, तो माया में भूले रहेंगे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, किंतु जो लोग थोड़े समय के लिए देखने के लिए आए हों उनको बड़ा फर्क पड़ता है। ये झूठी तुमको लग रही, ये झूठी माया है, तो तुमने इसको सत्य माना, बार बार इसको याद किया, इसलिए तुम भी इसमें झूठे रूप से फंसे हुए हो। तुम रहे झूठी लाग, इसी झूठी को झूठी के साथ संलग्न हो करके तुमने अखंड सुख बुला दिया है। ये झूठी अब उड़ जाए सी, ज्ञान प्राप्त होने के बाद में ये झूठी माया है वो उड़ जाने वाली है। दे जासी झूठा दाग, किंतु इसमें ये विशेषता है, ये झूठी बातें हैं ये तो सब मिट जाएगी, सारी सृष्टि मिट जाएगी, लेकिन हमने झूठा बोला, हमने झूठा काम किया, तो ये दाग, ये निशानी वो बनी रहेगी। इसलिए कहते हैं दे जासी झूठा दाग, ऐसे तो माया है वो मिटने वाली है, लेकिन ये
झूठा दाग दे करके छोड़ेगी, इसलिए समझना चाहिए इस माया को। हंसी होसी अति बड़ी, तब सबको हंसी होने लग जाएगी, वो बहुत बड़ी होगी। जिन देव मोए दोष, तो आप लोग मुझे दोष भी नहीं देंगे। तो जब माया में भूल जाएंगे तो हंसी होसी अति बड़ी, बहुत बड़ी हंसी हो जाएगी सब लोगों, सब ब्रह्मात्माओं के बीच में। जब ये सारा दृश्य देखेंगे, यहाँ जो कुछ भी चल रहा है वो सारा दृश्य अक्षर ब्रह्म रिकॉर्ड करते हैं, तो वो ब्रह्मात्माओं को दिखाएंगे। उस समय ब्रह्मात्माएं देखने लग जाएंगी, तो जब देखेंगे तब उनको बड़ी हंसी लगने होने लग जाएगी, और अक्षरातीत धामधनी भी जो भूली हुई है उनको मजा करेंगे। तो हंसी होसी अति बड़ी, जिन देव मोए दोष, तो मुझे दोष मत देना। कमी मैं कहे मैं ना करूं, मैं किसी भी प्रकार की कमी करना नहीं चाहता हूं। पर तुम्हें छल हुआ सिर पोष, किंतु ये माया का छाला है तुम्हारे लिए। सिर का पोष का तात्पर्य सिर को ढकने वाला, मानो बुरका हो तो इस तरह से पूरे शरीर को ढकने वाला बन गया। तो मैं तो तुम्हें समझाऊंगा ये, लेकिन माया से छलवती माया से तुम इतने प्रभावित हो कि मेरी बात तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। माँ गलिया खसम पे, तो कहते हैं कि अक्षरातीत धामधनी से मांग करके ही तो ये छल देखने के लिए लिया है। अक्षरातीत धामधनी ने पूछा क्या देखना है, तो ब्रह्मात्माओं ने बोला कि आप अक्षर ब्रह्म का खेल दिखाइए। तो उसके लिए फिर उनको आज्ञा हुई कि सृष्टि में विशिष्टता लाओ, तब जा करके अक्षरातीत धामधनी के अक्षरातीत धामधनी को समझ पाए। तो मांगलिया खसम पे, ये छल तुम देखना, इस छल को देखने के लिए तुमने ही धामधनी से इसकी मांग की थी। जो कदी भूलिया छल में तो फेर न आवे ए दिन, यदि उनमें से आप कोई हो तो ये समझना, जो कदी भूलिया छल में, यदि छल में जाकर के कोई भूल भी जाएंगे तो भी, तो फिर ना आवे ए दिन, फिर जागृत होने के ये दिन आने वाले नहीं हैं। तो इसलिए कहते हैं कि पहले यदि कोई कुछ और काम करने में लगा होगा तो उनको इस समय सब कार्य छोड़कर के इसी में लगा। तो कहते हैं कि धामधनी से तुमने ये छल देखने के लिए मांगा था, लेकिन इस छल में, छल देखते ही, माया को देखते ही इसमें भूल गए। तो फिर ना आवे ये दिन, फिर जागृति के वो दिन तो कभी आए ही नहीं है, पहले वाले दिन। तो इसलिए अब जागृत होकर के तुम्हें इस माया में भी, हम तो जागृत ही रहे, हमें पता चला कि हम भूल कर रहे थे तो उसमें से हम छूट गए, ये सब बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। इसके लिए कह रहे हैं, तुम मुख नीचा होए सी, तो तुम्हारे मुख यदि ब्रह्मात्माओं के बीच में परमधाम में जागृत भी हो जाएंगे, तो उस समय जो लोग यहाँ माया में जागृत नहीं होंगे उनको सबके बीच में संकुचित होना पड़ेगा, संकोच करके उनको मुंह नीचा करके बैठना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं तुम मुख नीचा होए सी, तुम्हारा मुख तो नीचा होगा। आगु सैया सबन्ना, सब ब्रह्मात्माओं के बीच में, इसलिए जागृत हो जाओ, जागोगे तो फिर मुंह नीचा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए हंसी सत ठौर के, अखंड परमधाम में जाने के बाद में तो हंसी कर के कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे सत ठौर की हंसी है, कोई सैया कराओ जिन ही आत्माओं, आप लोगों में से कोई भी ऐसी हंसी मत कराना, यहाँ जागृत हो जाओ। दुखर ले चल सी इत थे, यदि यहाँ से दुख लेकर के चलोगी, जागृत हुए बिना इसी दुखी में रच पच करके परमधाम में जागृत होंगे। नहीं आवन दूजी बेर, अब तो दोबारा तो यहाँ आना नहीं है, तो भले ना हम दुख पा करके जाएं ऐसा सोचोगे तो भी,
तिन क्यों मुख ऊंचा होए सी, तो उनके मुंह कैसे ऊंचे होंगे धामधनी के समक्ष परम धाम में। जो पीयूषों बैठी मुख फेर, तो जो पीयूष से मुंह फिरा करके बैठी हो, जागृत तो नहीं हुए और माया के तरफ उन्मुख हुई और पीयू के तरफ पीठ दे करके बैठी, जो जागृत नहीं है उनकी ये स्थिति है। तो इसलिए ऐसा नहीं होने देना है। इसमें आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझदार बनना है, जागना है और माया मोह में से पार पहुंचना है। तुम्हें शुद्ध पीयू ना आपकी ही आत्माओं कि आपको न तो स्वयं की पहचान है और न पीयू की शुद्ध है। ना शुद्ध अपनो घर है, ना अपने घर परम धाम की शुद्ध है, ना ही शुद्ध है इन छल की, ना ही तुम आप इस माया को ही भली भांति समझ सकते हो। सो कर देवो सब जाहिर, तो उनको मैं स्पष्ट करके बता दूं। मैं देखाऊं तीन विद ज्यों होए पहचान छल, तो मैं माया को इसी प्रकार से दिखाना चाहता हूं जिसके कारण ये जिसके कारण माया की पहचान हो सके। जब तुम छल पहचानिया तब चले न या को बल, जब छल की पहचान होगी आप पहचान कर पाओगे तो उस समय फिर छल आपको प्रभावित नहीं कर सकेगा। तो ये तब चले न या को बल, तो उसकी शक्ति काम करने वाली नहीं रहेगी, तो वो फिर अपने शक्ति अपने हथियार को वहीं पर डाल देंगे और जो जागृत आत्माएं हैं तो उसको उनके मार्गदर्शन में रहेंगे। तो छल को जो माया को पहचान करके जागृत होते हैं तो उनको माया कुछ बिगाड़ नहीं सकती है उनका। अब देखो या छल को, अब इस छल को तो देखो समझो, जो देखना आइया ये है इस दुनिया में इसी छल को देखने के लिए तो आए हैं। प्रकाश करो इन भांत का, ऐसा प्रकाश कर दो ब्रह्म ज्ञान का, ऐसा प्रकाश कर दे ज्यों रहवे नहीं संदेह, जिससे किसी प्रकार का संदेह नहीं रहेगा। अंधेर सब उड़ाए के सब छल करो जाहिर, तो अंतःकरण से अंधेरा मिटा करके तारतम ज्ञान का प्रकाश डालेंगे तो अंतःकरण का अज्ञान रूपी अंधकार है वो भाग जाएगा। तो ऐसा होने से क्या होता है, तो छल करो जाहिर, इस छल की पहचान हो जाती है। खोलूं कमाड़ कलकुलफ, तो परमधाम के द्वार उसकी चाबी ताला ये सब उसको खोल देते हैं। अंतर माहे बाहर, तो ये भीतर से और बाहर से, तो कहते हैं कि ये वो हर प्रकार से अज्ञान का आवरण दूर कर देंगे तो तुम्हें दरवाजा भी दिखेगा, धाम भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, तो तब तुम धर्म के विषय में भी भली भांति समझ पाओगे। तो ये यहाँ पर कहने का तात्पर्य था। ये भी एक प्रकार से ब्रह्मात्माओं के लक्षणों को ही और उजागर करने के लिए है और इसमें कुछ दूसरे प्रसंग भी थोड़े से जोड़ दिए हैं। तो अभी के प्रसंग को ये रखते हैं, चौपाई दोहराते हैं। अंतर माहे बाहेर, अंधेर सब उड़ाए के सब छल करो जाहेर, खोलो कमाड़ कलकुलफ अंतर माहे बाहेर, अंतर माहे बाहेर। अंतर हृदय के कबाट को खोलने की बात कर रहे हैं, अंतःकरण के अज्ञान को मिटा करके उसको ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करके वो परम धाम का अनुभव कर सके, उस तरह से तैयार करने की बात की है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।